आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे कर सकते हैं एक पाम स्पिन को। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो पाम स्पिन करने के लिए सबसे पहले आपको एक टीए आना जरूरी है, क्योंकि जो एक पाम स्पिन है उसका जो स्टार्टअप होता है वो एक टीए से होता है, यानी कि थंब राउंड से। तो सबसे पहले स्टेप में एक थंब राउंड किया जाता है। उसके बाद जो थंब राउंड के वक्त जो सर्कुलर मोशन रहता है पेन का वो कंटिन्यू होता है और कुछ इस तरीके से पाम पोजिशन में हैंड आता है और पेन अपनी मोशन को कम्प्लीट करता है। तो इसमें मेनली ध्यान ये देना होता है कि पेन पावरफुली स्पिन करे, जो उसका सेंटर है उस पर जितना अच्छे से पेन सेंटर पे स्पिन करेगा पाम अप पोजिशन में आने के बाद ये उतना ही अच्छे से पाम स्पिन हो पाएगा। तो उसके बाद ये होता है कि चार जगह पर फोकस जाता है, इन चारों में से किसी एक जगह पर पाम स्पिन होती है, बीच में बहुत कम ही लोगों का जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है वो यहाँ पर होता है। और अगर पाम स्पिन टू एफ टी ए कोई करता है तो उसके लिए यहाँ पर आना होता है। तो इतने एरिया में, जो इतना एरिया है इसके अंदर में एक पाम स्पिन होती है। तो सबसे पहले टीए करने के बाद पेन को पूरा ऐसे फ्रीली छोड़ देना है और इसे पाम अप पोजिशन में आना है। तो एक टीए करके ऐसे पाम अप में आने का ये वाली मूवमेंट तैयार करनी है। तो जब हम टीए करते हैं तब जो बिगर पार्ट है वो नीचे की साइड रहता है और ये थोड़ा अलग रहता है। और पाम स्पिन में जो पोजीशन होती है स्पिन करने की पेन की वो डिपेंड करती है कि उसका स्टार्टअप कैसे किया जाता है। अगर स्टार्टअप यहाँ से होगा, बिगर पार्ट को नीचे रखें, तो पेन यहाँ पास में स्पिन होगा। और अगर उसके स्टार्टअप में इसका ये जो पार्ट है सर, जो मेन सेंटर है वहाँ से अगर स्पिन किया जाए तो ये कहीं भी जा सकता है, या तो बहुत एंड में जा सकता है या तो बीच में। इसका कोई फिक्स्ड पोजीशन नहीं है कि वहाँ तक ये जाएगा। तो जब भी फिगर पार्ट को नीचे रख करेंगे ये फिक्स है कि इतने एरिया पर पेन आएगा, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहे थे तो वो दूर जा सकता है। तो पाम स्पिन में तो बहुत सारी रेवोल्यूशन होती हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको ट्राई करना है कि पेन को रिलीज करना है, इस तरीके से टीए करने के बाद पेन को ऐसे रिलीज करने को ट्राई करना है, क्योंकि एक टॉप स्पिन ट्रिक है। जब भी हम लोग किसी स्लॉट में करते हैं इस ट्रिक को तो वो होल्ड रहता है, जो उसका मोमेंटम रहता है, जो उसका मोशन रहता है वो फिंगर्स से हम लोग कंट्रोल करते हैं, लेकिन जो टॉप स्पिन ट्रिक होती है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें पेन को रिलीज करना होता है ताकि वो स्पिन करे किसी भी एरिया पे टॉप, जैसा कि शैडो में होता है। सबसे पहले आप जब इसको कुछ इस तरीके से ड्रॉप करेंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका हाथ पूरा स्ट्रेट रहे, कुछ इस तरीके से, बहुत ज़्यादा टेंस में नॉर्मली ऐसे फैला रहे और अंदर की साइड ना रहे, क्योंकि ये जो बीच का पार्ट होता है ये ऐसे अंदर दब जाता है। और अगर आप इसको स्ट्रेट रखते हो तो ये थोड़ा फ्लैट एरिया इसको मिलता है और पेन तभी स्पिन होगा जब कितने एरिया पर जाएगा, यहाँ बीच में नहीं स्पिन होता है क्योंकि ये थोड़ा अंदर के साइड दबा हुआ एरिया होता है। तो पाम स्पिन जब आप करेंगे तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये होती है कि इसका ये एक फिक्स्ड पोजीशन नहीं रहता कि इतने पर ही स्पिन हो गई। तो स्टार्टिंग में कुछ इस तरीके से ये जाने वाला है, इस तरीके से जाएगा। तब जो होता है एक स्पीड, आपको एक टाइमिंग बनानी पड़ेगी कि टीए करने के बाद तुरंत आपको इस पोजीशन में आना है, वो टाइमिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे ही पेन यहाँ तक पहुँचेगा इस एरिया पे, तो वैसे ही आपको हाथ को ऐसे सीधा करना है, ये होगा फिर यहाँ पर। तो अब जब यहाँ पर आप टीए करेंगे तब ये जो हाथ है इतना ये ऐसे स्ट्रेट रहेगा, एक नॉर्मल टीए जब करते हैं तो ये इस तरीके से रहता है, लेकिन जब
एक पाम स्पिन करते हैं, तो टी ए के बाद ये जो आपका आगे का पार्ट है ये इस तरीके से रहेगा, ताकि जब आप ऐसे हैं तो ये स्पिन हो पाए। ठीक है, तो एक क्लियर पाथ आपको क्रिएट करना है कि एक टी ए पोजिशन से होकर ये पाम पोजिशन पे पहन जाए, तो उसके लिए इसका एक पाथ क्लियर होना जरूरी है। कोई भी फिंगर अगर बीच में आएगी तो ठीक वहीं पर रुक जाएगी, तो इस तरीके से आपको एक पाम स्पिन करना। तो इसके बाद जब ये रोटेशन कंप्लीट होगी तब कैच करने का ट्राई करना है। ऐसा नहीं कि जब एक रोटेशन कंप्लीट होगी या दो होगी तो उसके बाद कैच करना, कैच करना उतना मैटर नहीं करता है, सबसे पहले स्पिन करना ज़रूरी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पिन होगा, और जब परफेक्टली स्पिन हो जाए तब भी आपको कैच नहीं करना, तब ट्राई करना है कि स्पिन होकर यह आराम से रुक जाए। कई लोग जब पाम स्पिन करते हैं तो ऐसा होता है कि वो कैच नहीं हो पाता है या परफेक्टली स्पिन नहीं होता है, तो आपको यही चीज़ पर पहले प्रैक्टिस करनी है कि वो परफेक्टली पहले स्पिन हो पाए, क्योंकि जब स्पिन होगा तभी आपकी आगे ट्रिक कंप्लीट हो पाएगी। तो ये तो थी पाम स्पिन की बात, ठीक है, नॉर्मल पाम स्पिन की। तो इसके बाद अगर पाम स्पिन रिवर्स करते हैं तो उसमें FLTA रिवर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे को ये में पाम स्पिन रिवर्स ज़्यादा ईजी है, और पेन मोड जो आपका होना चाहिए उसकी एक मीडियम जो ब्रेथ है उसकी वो मीडियम होगी तो भी चल जाएगा, और वेट थोड़ा सा ज़्यादा होना ज़रूरी है। मेरा ये पेन मोड 21 ग्राम्स का, उसी के आसपास का, ऑलमोस्ट 19 ग्राम का है, जो कि स्पिन करने के लिए परफेक्ट है।